पांच सवाल पूछता हूं, पहले आपको पूछता हूं, मुझे बताओ भाई ट्रिपल तलाक मोदी जी ने समाप्त करा अच्छा किया या बुरा किया? चलो सोनिया जी की तबीयत थोड़ी नादुरुस्त रहती है, राहुल बाबा या प्रियंका बहन आए हैं, गरीब महिलाएं झुलस कर मर गई, उनके घर कोई गया है क्या? मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, भाजपा ने रायबरेली के लिए क्या किया है, क्योंकि कांग्रेस ने गंगा ब्रिज, रेल कोच फैक्ट्री, रेल व्हील फैक्ट्री, एम्स, निफ्ट, एफडीडीआई, एम्स हमने शुरू किया, इन्होंने बंद किया। कोविड के समय 3 करोड़ की एमपीएलएडी से मदद, 8 फ्लाईओवर, रेलवे वॉशिंग लाइन, मॉडिफिकेशन ऑफ रेलवे स्टेशन। रायबरेली का चुनावी संग्राम राहुल के चुनावी मैदान में आने के बाद कुछ ज्यादा ही जबरदस्त हो गया है। यही वजह है कि बीजेपी भी राहुल गांधी को घेरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। रविवार को रायबरेली में मोर्चा संभालने खुद अमित शाह पहुंचे तो शाह ने सवालों की बौछार लगा दी। भाइयों बहनों, मैं यहाँ जब आया हूँ तब राहुल बाबा को 5 सवाल पूछना चाहता हूँ, वो आए तो आप भी पूछना। मैं सार्वजनिक रूप से राहुल बाबा को 5 सवाल पूछता हूं, पहले आपको पूछता हूं, मुझे बताओ भाई ट्रिपल तलाक मोदी जी ने समाप्त करा अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? राहुल बाबा रायबरेली की जनता को जवाब दे, ट्रिपल तलाक आप वापिस लाना चाहते हो क्या? वो कह रहे हैं हम वापिस लाएंगे। मैं आज पूछना चाहता हूं, पहले रायबरेली की जनता के सामने स्पष्ट करिए, आप ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे क्या? भाइयों बहनों मुझे बताओ, इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ की जगह कॉमन सिविल कोड यूसीसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये कहते हैं हम मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे। अमित शाह ने ट्रिपल तलाक, यूसीसी, सर्जिकल स्ट्राइक, राम मंदिर और धारा 370 को लेकर राहुल गांधी से सवाल किए। शाह ने इसी चुनावी सभा में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लेकर सवाल किया कि वो कितनी बार रायबरेली आए। मगर मैं आज 5 सवाल उनको पूछने आया। लोकतंत्र के अंदर 5 साल तक यहां से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है भैया, बताओ तो जरा। अरे जोर से बोलो। भाइयों बहनों, मैं इतना भी कहना चाहता हूं, चलो सोनिया जी की तबीयत थोड़ी नादुरुस्त रहती है, राहुल बाबा या प्रियंका बहन आए हैं, जरा मुझे बताओ आए हैं क्या? भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं कि रायबरेली के अंदर ढेर सारी दुर्घटनाएं हुई, 3 दर्जन से ज्यादा बड़ी दुर्घटनाएं हुई। जैसे एनटीपीसी ऊंचायार में बॉयलर फट जाने से कई लोगों की मृत्यु हुई। यहां गांधी परिवार आया है क्या? अरे जोर से बोलो, आया है क्या? बचरावा में ट्रेन दुर्घटना में 50 लोग मारे गए, आया है क्या? अमित शाह ने चुनावी मंच से रायबरेली में हुए दुर्घटनाओं का जिक्र कर मंच से पूछा कि गांधी परिवार से तब कोई आया है क्या? अमित शाह के इन सवालों का जवाब जब प्रियंका गांधी से मांगा गया तो प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए शाह पर सवालों की झड़ी लगा दी। मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, भाजपा ने रायबरेली के लिए क्या किया है, क्योंकि कांग्रेस ने गंगा ब्रिज, रेल कोच फैक्ट्री, रेल व्हील फैक्ट्री, एम्स, निफ्ट, एफडीडीआई, रेल लाइन डबलिंग ट्रैक और इलेक्ट्रिफिकेशन, 4 लेन फ्रॉम लखनऊ टू रायबरेली, रिंग रोड, 5 नेशनल हाईवे, मोटर ड्राइविंग स्कूल की शुरुआत की, इन्होंने बंद की। स्पाइस पार्क की शुरुआत हमने की, इन्होंने बंद किया। इंजीनियरिंग कॉलेज एम्स हमने शुरू किया, इन्होंने बंद किया। कोविड के समय 3 करोड़ की एमपीएलएडी से मदद, 8 फ्लाईओवर, रेलवे वॉशिंग लाइन, मॉडिफिकेशन ऑफ रेलवे स्टेशन, 10 रेलवे अंडरपास, रोड कंस्ट्रक्शन बाय सेंट्रल रोड फंड, रायबरेली टू डलमाऊ, रायबरेली टू लांचगंज, रायबरेली टू
टू सेमरी, उन्होंने क्या किया रायबरेली के लिए? उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी इन दिनों सबसे हॉट सीट बन गई है और रायबरेली पर तो कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी की भी नजर है। ऐसे में ये वार पलटवार की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक जनता का फैसला ईवीएम में कैद नहीं हो जाता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।